गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 15 ऑफ इंग्लिश एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टिक राइट एट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर आपको राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट देखिए, बोट्स सेल ऑन द, बोट्स कहाँ पर तैर रही है, कहाँ बह रही है, रिवर्स पर, तो हम रिवर्स पर राइट लगाएंगे। अ शिप सेल ऑन द, शिप कहाँ बह रही है, सीज पर, समुद्र पर, तो हम यहाँ सीज पर राइट का मार्क करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज टिक राइट फॉर द राइट एंड क्रॉस रॉन्ग फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ आपको जो सही स्टेटमेंट है उस पर राइट का मार्क लगाना है और जो रॉन्ग है, जो गलत है स्टेटमेंट, उस पर क्रॉस का मार्क लगाना है। फर्स्ट देखिए, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, जो बोट्स हैं मतलब जो नाव है वो कहाँ, रिवर पर सेल हो रही है। यस इट इज ट्रू, सो टिक राइट हियर। सेकेंड, शिप्स सेल ऑन द ट्रीज, जो शिप मतलब जहाज जो है वो ट्रीज पर चल रहे हैं, सेल हो रहे हैं, नो कहाँ हो रहे हैं वो, सीज में, समुद्र में, तो दिस इज रॉन्ग, सो राइट क्रॉस हियर। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रोड्स, रोड्स मतलब सड़क, सड़क पर क्या है, ब्रिजेस हैं, पुल बने हुए हैं, रॉन्ग, कहाँ पर बने हुए हैं ब्रिजेस, कहाँ पर बने हुए हैं ब्रिजेस, रिवर्स पर। फोर्थ देखिए, बट क्लाउड्स आर प्रीटियर देन द बोट्स एंड शिप, लेकिन जो बादल हैं वो बोट और शिप से ज़्यादा खूबसूरत हैं। यस ट्रू, सो राइट पुट राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको गिवन है, इन्हें देखते हुए ब्लैंक्स में फील करना है। द क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई, जो क्लाउड्स है वो कहाँ से बह रहे हैं, कहाँ से सेल हो रहे हैं, आसमान से। देयर आर डैश ऑन द रिवर्स, रिवर्स पर क्या है, ब्रिजेस हैं, मतलब पुल हैं, पुल बने हुए हैं। एंड डैश सेल ऑन द सीज, समुद्र पर कौन सेल हो रही है, शिप्स मतलब जहाज। बट डैश आर प्रीटियर देन दिस, लेकिन इन सबसे बहुत खूबसूरत है क्या, क्लाउड्स मतलब बादल। क्वेश्चन नंबर ई, लुक एट द पिक्चर एंड राइट ए और एन। आपको पिक्चर देखते हुए बताना है कि वोवेल में से ए आएगा या एन आएगा कॉन्सोनेंट में, ठीक है। देखिए डैश बुक, बी क्या है, फर्स्ट वर्ड देखिए इसका, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, स्मॉल ए, अ बुक। पी क्या है, पी भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, ए, सो राइट अ पेन। अब ओ क्या है, ओल्ड मैन, ओ क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉवेल का फ्रेंड कौन होता है, एन, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट देखिए, डैश अम्ब्रेला, यू क्या है, वॉवेल, वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यू इज अ वॉवेल, सो हम क्या यूज करेंगे, एन, एन अम्ब्रेला। और सी क्या है, कॉन्सोनेंट, सो हम यूज करेंगे अ कैट। ई इज अ वॉवेल, सो वी यूज एन, एन एग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज अ डिक्शनरी एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ द बोर्ड गिवन बिलो। आपको देखो बताना है कि बोट का कौन कौन सा पार्ट है, इनमें से क्या कहलाता है। देखिए रूडर कौन सा पार्ट कहलाता है, ये जो नीचे का लकड़ी का बना हुआ रहता है ना बोट, ये क्या पार्ट कहलाता है, रूडर कहलाता है। स्टर्न, स्टर्न क्या कहलाता है, ये जो लाइन होती है ना जिस पर ये फ्लैग टिका हुआ रहता है, कपड़ा ये टिका हुआ रहता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टर्न। मास्ट क्या होता है, ये जो फ्लैग लगा रहता है इसे क्या कहते हैं, मास्ट। और सेल क्या होता है, ये जो ट्राइंगल शेप में कपड़ा लगा हुआ रहता है इसे क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। इस तरह से आप भी मैच कीजिएगा अपनी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है बॉक्सेस में से वर्ड्स की हेल्प से। देखिए डैश इज कुकिंग फूड, फूड कौन पका रहा है, मम्मा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मम्मा इज कुकिंग फूड। डैश इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर, उनके पास में कौन खड़ी है, टीना, क्या आएगा यहाँ से, टीना, टीना इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर। नेक्स्ट देखिए, द डैश गिव्स विसल, इसने सीटी दी, किसने दी, प्रेशर कुकर ने, तो हम उसमें से क्या लिखेंगे, प्रेशर कुकर। T
पुट्स हर हैंड्स ऑन हर डैश। टीना ने अपने हाथों को अपने डैश पर रखा। किन पर? अपने कानों पर। वो विसल बजी, सीटी आई कुकर में से, तो उसने अपने कानों पर अपने हाथों को रख लिया। फिफ्थ देखिए, मम्मा सेज टीना गो एंड वॉश योर डैश। मम्मा ने क्या कहा? टीना जाओ और वॉश करो अपने हैंड्स को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हैंड्स। सिक्स देखिए, देन ब्रिंग योर डैश। अब क्या कह रही है मम्मा की? अब अपनी डैश लो। क्या लो? प्लेट लो। एंड द लास्ट वन इज द डैश इज रेडी। क्या रेडी है? फूड मतलब भोजन या खाना। खाना रेडी है। नाउ स्टूडेंट्स, फिल दिस बुक एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश एसेंशियल इंग्लिश बुक। थैंक यू।